नमस्कार, मैं हूं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। तीसरी बार मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोरोना की जारी जद्दोजहद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। उनके राज्यों के हालात के बारे में चर्चा करेंगे। खबरों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बैठक 27 अप्रैल की सुबह को होगी। इस दौरान कोरोना को लेकर मौजूदा हालात पर चर्चा होगी और लॉकडाउन का फीडबैक लिया जाएगा, जिसके बाद ही आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही बंद के आदेश पर भी विचार विमर्श किए जाने की आशंका जताई गई है, क्योंकि 3 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाए गए बंद का आखिरी दिन होगा। इससे पहले कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए सरकार आगे का फैसला लेगी। कोरोना से निपटने के लिए दुनिया के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेश की मिसाल। कोरोना के लगातार बढ़ते असर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके रोकथाम को लेकर एक नई मिसाल पेश की है। भारत में कोरोना की चुनौती देने के लिए लोकतांत्रिक सक्रियता का उदाहरण पेश किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य सरकार के साथ मिलकर बंद और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों को लागू करने में कामयाब रहे हैं, साथ ही आगे बढ़कर नेतृत्व भी कर रहे हैं और उन्हें आम लोगों का पूरा समर्थन भी मिल रहा है। और यही कारण है कि 1.3 अरब की आबादी वाले देश में कोरोना से अब तक 21,000 लोग ही बस प्रभावित हो पाए हैं। हालांकि बीच बीच में धार्मिक रूप से भी पूरे मामले को देने की कोशिश की गई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका भी सामना करते हुए लोगों से धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करने की अपील की। ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीन का सबसे बड़ा ट्रायल हुआ शुरू। कोरोना के बढ़ते असर के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है, जिसके तहत ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीन का सबसे बड़ा ट्रायल शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद अब पूरे देश की नजर ब्रिटेन के ऊपर होगी, क्योंकि वर्तमान समय में पूरी दुनिया में कई देश कोरोना से काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में ब्रिटेन से आई खबर पर उनकी पूरी उम्मीद टिकी हुई है। वहीं ब्रिटेन के वैज्ञानिकों को भी उम्मीद है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन से आने के कुछ सप्ताह में चमत्कार हो सकता है। वहीं इस वैक्सीन के टेस्ट के लिए ब्रिटेन में 165 अस्पतालों में करीब 5,000 मरीजों का 1 महीने तक और इसी तरह से यूरोप और अमेरिका में सैकड़ों लोगों का इस वैक्सीन का परीक्षण होगा, जिसके बाद ही इस वैक्सीन को आधिकारिक तौर पर कोरोना के रोकथाम के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। WHO ने की एक बार फिर से सभी देशों को संयम और धैर्य के साथ काम करने की अपील। लगातार देश भर में बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए WHO बार बार गाइडलाइंस को जारी करते रहता है। वहीं इसी बीच WHO ने एक बार फिर से सभी देशों को समझाते हुए सख्त रूप में यह कहा है कि कोरोना का प्रभाव हमारे बीच लंबे वक्त तक बना रहेगा, इसीलिए कोई गलती ना करें। इसके साथ ही उन्होंने इसके उदाहरण में ऐसे देशों के नाम गिनवाए हैं जहां पर शुरुआती समय में तो कोरोना के लक्षण देखने के मामले में भारी इजाफा देखा गया था। इसीलिए WHO द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार कोई भी देश इसे हल्के में लेने की कोशिश ना करे और ना ही आने वाले कुछ महीने तक ढील दे। अफ्रीका और अमेरिका के बढ़ते मामले हमारे लिए उदाहरण है। हालांकि WHO के फैसले से नाराज अमेरिका ने कुछ दिनों पहले ही उसकी फंडिंग को रोक दी थी, मगर फिर भी WHO ने अपनी तरफ से अमेरिका को सतर्क रहने की सलाह दी है। इस साल 66 लाख टन ज्यादा गेहूं खरीदेगी केंद्र। इस साल 407 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीदारी का लक्ष्य रखा गया है। पिछले साल के मुकाबले करीब 66 लाख टन ज्यादा है, जिसकी जानकारी केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने दी है। इसके तहत उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को 2020-21 के रबी सीजन के लिए 407 लाख टन गेहूं की खरीदारी और 2019 की खरीफ सीजन में धान की रबी फसल का 112.92 लाख टन धान चावल की खरीदारी को मंजूरी दे दी है। धारावी की मौजूदा स्थिति पर बोले रतन टाटा। मुंबई के धारावी इलाके में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रतन टाटा ने हाल ही में अपनी राय दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि धारावी में बढ़ते मामलों के साथ स्थानीय प्रशासन द्वारा इलाके को बंद किया जा चुका है। वहीं डेवलपर्स और आर्किटेक्ट की तीखी आलोचना करते हुए उन्होंने आगे कहा कि स्लम एरियाज यानी कि झुग्गी झोपड़ियों को शहर के अवशेष के रूप में बदलना चाहते हैं। टाटा के मुताबिक शहरों में स्लम बस्तियां उभर आने के लिए बिल्डरों को शर्मानी चाहिए। टाटा के मुताबिक शहरों में स्लम बस्तियां उभरने की वजह से बिल्डरों को शर्मानी चाहिए। आपको बता दें, हाल ही में भविष्य के डिजाइन पर एक ऑनलाइन चर्चा के दौरान रतन टाटा ने उक्त बातें कही है। वहीं इसी के दौरान उन्होंने बार बार बिल्डर्स द्वारा मुंबई शहर को बर्बाद किए जाने की भी बात कही है। प्रथम महिला सविता कोविंद ने बनाए गरीबों के लिए मास्क। कोरोना के रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने का सुझाव जारी किया गया। वहीं ऐसे लोगों के लिए मास्क की सुविधा मुहैया करवाई गई है, मगर ऐसे भी लोग हैं जिनके पास मास्क की सुविधा नहीं पहुंच सकती है। अब ऐसे लोगों की मदद के लिए प्रथम महिला सविता कोविंद ने राष्ट्रपति संपदा परिसर स्थित शक्ति हॉल में लोगों के लिए मास्क बनाने का काम किया है। इस मास्क को दिल्ली के अलग अलग इलाके में विस्तृत किया जाएगा। शक्ति हॉल में बनाए गए इन सभी मास्क को दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के अलग अलग शेल्टर होम्स में भी बांटा जाएगा। वहीं आपको बता दें, मास्क बनाने के दौरान प्रथम महिला सविता कोविंद ने खुद भी अपने मुंह को मास्क से ढक रखा था। वहीं भारत में बढ़ते कोरोना के मामलों की बात करें तो यह आंकड़ा 21,000 के पार पहुंच चुका है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 पैकेज के लिए 15,000 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। केंद्र सरकार
लगातार कोविड-19 के रोकथाम में हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वहीं अब केंद्र सरकार ने लोगों की सहायता के लिए साथ ही कोविड-19 पैकेज के लिए 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में दी गई है। वहीं अभी यह भी साफ कर दिया गया है कि जारी की गई धनराशि का 3 चरणों में उपयोग किया जाएगा। हालांकि अभी तक तत्काल कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए 7,774 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। बाकी धनराशि 1 से 4 साल के तौर पर मिशन मोड में उपलब्ध कराई जाएगी। पैकेज के मुख्य उद्देश्य में उपचार सुविधाओं का विकास, संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए साथ ही जरूरी चिकित्सा उपकरण की केंद्रीय खरीद समेत अन्य जरूरी सेवाओं के मजबूतीकरण का काम करने के लिए शामिल किया जाएगा। भारत चीन पर नहीं है निर्भर। जहां एक तरफ कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि भारत पूरी तरीके से चीन निर्भर है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि देश में फिलहाल 3 लाख कोरोना टेस्ट किट मौजूद है। अगले 8 दिन में 10 से 12 लाख और ज्यादा किट बन जाएंगे। इसलिए यह कहना गलत है कि भारत किसी भी तरीके से चीन पर निर्भर कर रहा है। इसके साथ ही बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार बायोसेंसर की जांच किट चीनी किट के मुकाबले 400 रुपए सस्ती है और यह करीब 380 रुपए की आती है। इतना ही नहीं, कंपनी का 1 महीने में 1 करोड़ किट तैयार करने का लक्ष्य है। अगले 8 दिन में और ज्यादा किट तैयार हो जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में बताया कि देश में लगभग 20 लाख टेस्टिंग किट्स को बनाने का काम चल रहा है। इनमें से 10 लाख राइट एंटीबॉडी होंगे, जबकि 10 लाख आरटीपीसीआर किट होंगी। राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लोगों से मांगा सुझाव। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार पर तंज कसने और टिप्पणी करने से पीछे नहीं हटते हैं। वहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए साथ ही छोटे बड़े उद्योग को दोबारा से काम पर वापस लौट आने के लिए लोगों से सुझाव मांगा है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसके लिए ट्वीट करते हुए आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज पर क्या कवर करना चाहिए, इसके लिए लोगों से उनकी राय मांगी है। कोविड-19 ने हमारे लघु और मध्यम व्यवसाय को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। कांग्रेस पार्टी को आपकी मदद की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर ने की महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ। भारत में भले ही धोनी की काबिलियत पर सवाल उठते हों, मगर बाहरी देश लगातार महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ करते नजर आते हैं। इसी क्रम में हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर माइकल हसी ने महेंद्र सिंह धोनी और मुरली विजय की तारीफ करते हुए यह कहा है कि यह दो ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्हें बल्लेबाजी करते देखना पसंद करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आईपीएल में सीएसके के लिए कई मैच खेले हैं और वह टीम के बैटिंग कोच की जिम्मेदारी निभाते हैं, मगर एमएस धोनी हमेशा बहुत कैलकुलेटिव तरीके से रहते हैं और यही कारण है कि वह मुझे इतने ज्यादा पसंद है। को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए कहूंगा तो एमएस धोनी मना कर देंगे, क्योंकि धोनी हर गेंदबाज के हिसाब से बैटिंग करते हैं। देखते हैं कि किस गेंदबाज को कैसे खेलना है। इसके आगे उन्होंने यह भी कहा कि महेंद्र सिंह धोनी का दिमाग काफी ज्यादा तेज चलता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आपके अनुसार कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।